कोरोना संक्रमण के बीच आज यूजी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को देने के लिए हमीरपुर डिग्री कॉलेज में सैकड़ों छात्र पहुंचे, लेकिन परीक्षा देने से पहले मुख्य गेट पर लंबी लाइनों में खड़े छात्रों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने पर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि कॉलेज गेट के अंदर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही छात्रों को परीक्षा में बैठने दिया गया है। वहीं दोपहर बाद हाईकोर्ट के द्वारा कोरोना काल में ली जा रही परीक्षाओं को रोकने की नोटिफिकेशन जारी होने पर NSUI के द्वारा इस निर्णय को छात्र हित में बताया। NSUI के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने इस निर्णय का स्वागत किया है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने बताया कि आज की परीक्षा के लिए छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही छात्रों को परीक्षा में बिठाया गया है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे एहतियात बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि परीक्षा 15 सितंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि आज कॉमर्स, जूलॉजी और मैथ के 700 के करीब छात्रों ने परीक्षा दी है। वेरी गुड मॉर्निंग। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस समारोह गवर्नमेंट महाविद्यालय हमीरपुर में एग्जाम UGC के SOP के तहत 6th सेमेस्टर के 6th सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हुए हैं और मॉर्निंग सेशन में सभी एहतियात बरतते हुए हमने सुचारू रूप से एग्ज़ाम को शुरू किया है। इन एहतियात में हमने थर्मल स्कैनर, सबसे पहले बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही सीट्स उनकी अरेंज की थी और सभी जो ड्यूटी पर हैं स्टाफ उनको ग्लव्स और सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के लिए हमने पहले इंस्ट्रक्शंस दे दी थी और इसी के तहत हमारे सारे स्टूडेंट्स अंदर सुचारू रूप से एंटर किए हैं, अपने आप थर्मल स्कैनिंग करवा करके, हैंड सैनिटाइज करके, डिस्टेंस मेंटेन करके और यहाँ पर पूरी एहतियात बरती जा रही है कि ऐसा कोई इन्फेक्शन ना फैले। मैम, एग्ज़ाम कब तक है? ये एग्ज़ाम 15 सितंबर तक चलेंगे। अभी तक 9 सितंबर की डेट शीट आई थी, आगे भी कुछ एग्ज़ाम 15-15 सितंबर तक शायद एग्ज़ाम चलने वाले हैं। और आज हमारे पास कॉमर्स का, जोलॉजी का और मैथ्स का पेपर था। लगभग 700+ स्टूडेंट्स हैं आज हमारे पास। कुछ बच्चे ऐसे भी आए जिनकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, उनको भी हमने सुचारू रूम से अलग रूम्स में बैठने का पूरा इंतजाम किया गया उनके लिए भी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कंटेनमेंट जोन में थे, उनकी तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई कि उनका एग्ज़ाम बाद में लिया जाए, तो उनके लिए दोनों तरह के हमने इंतजाम किए हुए थे, या उनका एग्ज़ाम बाद में लिया जाएगा जो नहीं आ पाए, अगर कोई परमिशन लेकर के आया है तो उसका एग्ज़ाम अलग बढ़ा करके ले। NSUI के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने इस निर्णय का स्वागत किया है और NSUI ने शुरू से लेकर छात्र हित की लड़ाई लड़ी है, जिस कारण आज कोरोना संकट के दौरान ली जा रही परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। जय हिंद साथियों। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि जो हिमाचल प्रदेश NSUI ने जो माननीय जो हाई कोर्ट था वहां पे एक पिटीशन दायर की थी छात्रों को प्रमोट करने के लिए, उसका जो फैसला जो है वो 19 तक जो है वो एग्जाम पर स्टे लगा दिया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है कि एग्जाम लेने हैं या नहीं लेने हैं, तब तक जो है छात्रों को एग्जाम जो है उस पर स्टे लगा दिया गया है। हम लोगों ने कल भी, पहले भी लगातार सरकार से ये मांग उठाई, कॉलेज प्रशासन से बात की, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं आया है कि एग्जाम लेने हैं या नहीं लेने हैं तो वो कैसे एग्जाम ले रहे हैं। तो आज जो ये डिसीजन आया है 19 तक स्टे का, इसका निश्चय जो है वो तहे दिल से जो है वो स्वागत करती है और हमारे लिए खुशी की बात है कि जो लड़ाई हमने सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ी उसमें छात्र हित की और छात्र संघर्ष की जो जीत जो है वो हमें नजर जीत जो है वो नजर आ रही है। तो मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा इस लड़ाई में हमारा सहयोग किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय NSUI। वही परीक्षा के स्थगित होने की बात पर छात्रों ने खुशी जताई है और छात्रों का कहना है कि कोरोना संकट के दौरान पेपर लेना घातक था, इसलिए परीक्षा के स्थगित होने के निर्णय का स्वागत करते हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा देने के लिए छात्रों को कॉलेज तक पहुंचने में भी दिक्कतें पेश आई और हाई कोर्ट का परीक्षा स्थगित करना अच्छा निर्णय है। होना तो चाहिए वैसे, हमें डेट शीट के अकॉर्डिंग, तो हमें खुद अभी पता चला कि हमारा एग्जाम ही नहीं है। अभी उन्होंने तो कुछ कंफर्म बताया नहीं, डेट शीट के अकॉर्डिंग तो एग्जाम आज था, फिर अभी चेक पता चला। इसके मतलब इसने बताया अंदर टीचर से पता किया, वो भी इतने रूडली बात करें, जैसे हम कोरोना विक्टिम है, इतने रूडली बात बिहेवियर किया, तो इसमें एग्जाम रख क्यों रहे हो? ये उन्होंने मना किया कि आप देख के आओ, इन्होंने पहले तो बताया नहीं, रूडली बात की, फिर बोला कि देख लो बाहर, फिर उन्होंने बाद में बता दिया आज नहीं होता। उच्च न्यायालय का आज निर्णय चाहिए, क्योंकि बहुत यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी फॉलो, तैयारी तो है बट
किस तरह की तैयारी कॉलेज की? तैयारी तो बहुत अच्छी है, एग्ज़ाम कभी भी लग जाए वो तो हमें पता, एग्ज़ाम तो होने ही है, बट इस कोरोना के सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो एग्ज़ाम क्या बोलूँ।